नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे त्रिपुष्कर योग क्या होता है और यह योग अत्यंत शुभ योग क्यों माना जाता है। ज्योतिष अनुसार कई तरह के योग होते हैं जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव लोगों पर पड़ता है। इनमें से कुछ योग शुभ माने जाते हैं तो कुछ अशुभ। ऐसे ही योगों में एक योग है त्रिपुष्कर योग। इसे काफ़ी शुभ योग माना गया कहा जाता है। इस दौरान किए गए कार्यों में इंसान को सफलता प्राप्त होती है। तीन ग्रहों के मिलने से यह योग बनता है और खासकर शनिवार और रविवार के दिन आने वाले इस योग से ज़बरदस्त फायदा देखने को मिलता है। मंगल, शनि और रवि इनमें से किसी भी दिन में आने वाली द्वितीय, सप्तमी, द्वादशी तिथि को त्रिपुष्कर योग कहते हैं। इस योग में धन लाभ होने से तिगुना लाभ मिलता है। लोगों में यह प्रचलित है, इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में तीन बार करने का मौका मिलता है। मकान, वाहन, आभूषण या कोई कीमती वस्तु बनाने के लिए यह योग शुभ होता है। ज्योतिष अनुसार हर दूसरे या तीसरे दिन इस तरह के योग बनते रहते हैं। इस योग के समय किसी भी काम को करते समय सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इस समय किए गए कामों का फल तिगुना मिलता है। इसलिए इस दौरान कर्ज लेने से बचना चाहिए, साथ ही वस्तुओं को विक्रय यानी बेचने से बचें। किसी कीमती वस्तु का खोना इस दौरान अशुभ माना गया है।